जय साईं राम। मैं बृजमोहन सूरी आपका अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। नमस्कार, आज हम बात करेंगे बंदी दुकान खोलने के उपाय। यदि आपकी दुकान, आपका कारोबार किसी ने जादू टोना से बांध दिया हो तो उसको जादू टोना मुक्त कैसे करना है, आइए बताते हैं। यदि आपकी दुकान चलते चलते एकाएक बंद होने के कगार पर आ जाए और जहां अच्छी खासी सेल होती थी वहां अब ग्राहक की सूरत देखने को तरसना पड़े, तो ऐसी अवस्था में स्पष्ट हो जाता है कि किसी ने आपके काम को बांध दिया है। अब क्या करें, आइए हम बताते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल रोजाना लाएं। जल को हाथ में लेकर ओम नमो शिवाय का जाप करते हुए अपनी दुकान पर छिड़काव करें। इससे किया किराया समाप्त होने लगता है और आपकी सेल बढ़ने लगेगी, ग्राहक आने लगेंगे, बंधी हुई दुकान खुल जाएगी। 5 काली मिर्च, 1 लाल मिर्च, 2 सुपारी, 1 लौंग पान के पत्ते में लपेट लें। उसे काले धागे से अच्छी तरह से बांध दें। यह सामान अपनी दुकान के काउंटर के नीचे रख दें। जब तक ये सामान पड़ा रहेगा किसी की नज़र नहीं लगेगी तथा बंधी हुई दुकान खुल जाएगी, किया किराया समाप्त हो जाएगा। यदि आप कोई अचूक उपाय चाहते हैं तो पंडित लोगों ने दिवाली की रात को लोहे के कील पाठ हवन करके तैयार किए होते हैं। ऐसे 4 कील उनसे लेकर जो दिवाली की रात को तैयार किए हों, करीब 21 रुपये के होंगे। दुकान की चारों कोनों में गाड़ दें। इससे बंदी दुकान खुल जाएगी और किया किराया प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही अहम, बहुत ही खास उपाय है। ये कील पंडित लोगों से लें, कुछ खास पंडित ही इसे बनाते हैं। दुकान में गाड़ दें, कभी किया किराया नहीं आएगा। अपनी दुकान पर धीमी आवाज में अपने ईष्ट, अपने भगवान या अपने गुरु का मंत्र उच्चारण लगाकर लगातार चलने दें ताकि पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती रहे, नेगेटिव वाइब्रेशन दूर होती रहे। और जब नेगेटिव वाइब्रेशन दूर हो जाती है तो नज़र लगती है और ना ही किया किराया प्रवेश करता है। ना तो नज़र लगेगी और ना ही किया किराया प्रवेश करेगा। तो ये उपाय आपके लिए बहुत खास है। सामान्य उपायों में आप हरी मिर्च, नींबू दुकान के बाहर लटका सकते हैं। ये जादू टोना तो नहीं रोक पाएंगे पर बुरी नज़र जरूर रोक जाएगी। घोड़े की नाल यदि सिद्ध की हुई लगाएं तो जादू टोना भी रुक जाएगा, परंतु यदि सिद्ध नहीं की हुई तो फिर वह जादू टोना रोक पाने में असमर्थ रहेगी, बुरी नज़र जरूर रुक जाएगी। यानी घोड़े की नाल यदि सिद्ध की हुई लगाते हैं तो वह आपका जादू टोना भी रोक देगी। यदि नज़र लगी हो तो आप एक नींबू ले लें, 4 लौंग ले लें। नींबू और लौंग चारों दीवारों से लगाकर नींबू को काट लें तथा किसी चौराहे में जाकर नींबू के 4 टुकड़े करके 1 टुकड़ा और 1 लौंग ऐसे चारों दिशाओं में फेंक कर पीछे ना देखते हुए वापस लौट आएं। राई लेकर दुकान के चारों दिशाओं में जमीन में गाड़ दें या काले कपड़े में बांध कर चारों दीवारों पर लटका दें। इससे किसी प्रकार का किया किराया दुकान में प्रवेश नहीं कर पाएगा। राई लेकर दुकान के चारों दिशाओं में जब गाड़ते हैं तो बहुत लाभ मिलता है आपको, क्योंकि इससे आप बहुत आगे बढ़ेंगे। यदि दुकान की सेल बढ़ानी हो तो जिस स्थान पर आप बैठते हैं उस पर हाथ रखकर अपने परमात्मा का पाठ करें। जो सामान आप बेचते हैं उसको हाथ में लेकर अपने परमात्मा का प्रेम पूर्वक पाठ करें। इससे पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी तथा आपकी सेल बढ़ने लगेगी। दुकान पर बैठकर कभी भी नॉनवेज, शराब, अंडा आदि सेवन ना करें। ये शिवा की गद्दी होती है। जब ऐसे पदार्थ दुकान में लाए जाते हैं तो परमात्मा की शक्ति नाराज हो जाती है, रुष्ट हो जाती है, जिस कारण सभी कार्य विपरीत होने लगते हैं। आप दुकान पर बैठकर यदि पाठ पूजा करेंगे तो पॉजिटिव वाइब्रेशन का प्रवेश होगा और आप बहुत आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपका कारोबार आगे बढ़ेगा, आपकी सेल बढ़ेगी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चाहते हैं
कि हमारे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें, हम जो जानकारियां अपलोड करेंगे वो आपको मिलती रहें। ये ज्योतिष संबंधी जानकारियां भी होती हैं, ग्रहों संबंधी जानकारियां भी होती हैं, हेल्थ टिप्स भी होते हैं और भी बहुत सारी जानकारियां, जैसे हिंदू मान्यताओं के विभिन्न आधार, कब क्या कहाँ क्यों कैसे, सब जानकारियां हम अपलोड करते रहते हैं। यदि आप पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, कृपया कॉल मत करें, मेरा नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप अपना सवाल लिखकर सेंड कर दें, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। जय साईं राम, खुश रहिए, आबाद रहिए और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे, जय साईं राम।